वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन का टॉपिक है इंटरनेट रिले चैट। यदि कोई भी एग्जाम इंटरनेट संबंधित एग्जाम देने वाले हो तो उसमें जो आंसर राइटिंग अगर लिखोगे आप, उसके लिए काफी ये हेल्पफुल होने वाला है सेशन। इसका पहले मतलब समझ लीजिए आप। इंटरनेट रिले चैट, रिले मतलब प्रसारण करना, चैट मतलब चैटिंग करना, जैसे हम व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं ना, वैसे ये नहीं है लेकिन वैसा ही है। इसका मतलब ये है, ये कह सकते हैं ये एक टाइप का इंस्टेंट मैसेज करने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है IRC प्रोवाइड अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इन रियल टाइम विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब IRC दुनिया भर में कह सकते हैं ना कि पूरे वर्ल्ड में रियल टाइम में हम चैटिंग कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सेपरेट नेटवर्क, विभिन्न अलग अलग नेटवर्क के साथ, अलग अलग सर्वर के साथ, मशीन दैट अलाउ यूजर टू कनेक्ट टू IRC। मतलब अलग अलग नेटवर्क है, अलग अलग सर्वर है, अलग अलग मशीनें हैं, उनके साथ अलग अलग दुनिया भर से यूजर जुड़ करके किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। IRC इज अ सिमिलर, वेरी सिमिलर टू टेक्स्ट मैसेजिंग। ये एक टाइप का मैसेज मैसेज करने का ऑप्शन होता है, बट डिजाइन अराउंड कम्युनिकेटिंग विद लार्ज ग्रुप ऑफ यूजर इंस्टीड ऑफ वन ऑफ वन। मतलब ये कह सकते हैं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर टेक्स्ट मैसेजिंग भी किया जाता है, और डिजाइन इस टाइप से किया गया है कि जहां पे लोग आपस में कम्युनिकेटिंग भी कर सकें। ठीक है, यानी एक बड़े पैमाने पे आपस में कम्युनिकेट किया जा सकता है। आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू ज्वाइन एन IRC कन्वर्सेशन यू मस्ट चूज अ यूजर नेम एंड अ चैनल। यदि आपको IRC यूज करना है, कन्वर्सेशन करना है, तो आपके पास दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। क्या चीज? यूजर नेम और चैनल इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, और यूजर नेम आल्सो कॉल्ड अ हैंडल कैन बी वट एवर यू वॉन्ट। जैसे कि आप कोई भी यूजर नेम चाहते हो तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैन बी वट एवर यू वॉन्ट, इट मे इंक्लूड लेटर एंड नंबर। इसमें क्या होता है, लेटर और नंबर जुड़े होते हैं, जैसे आप ईमेल बनाते हैं वैसे ही कह सकते हैं इसको हम, बट नॉट स्पेस, इसमें स्पेस अलाउड नहीं होता है। चैनल इज अ स्पेसिफिक चैट ग्रुप विद इन एन IRC नेटवर्क वेयर यूजर कैन टॉक टू ईच अदर। इसमें क्या होगा, एक चैनल होगा, चैनल के माध्यम से चैनल एक ID बनेगा और लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। सम नेटवर्क पब्लिश लिस्ट ऑफ अवेलेबल चैनल। कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो हमारे डेटा को, जो हमारे नेटवर्क होते हैं उसको साथ उसको पब्लिश करते रहते हैं। वेल अदर रिक्वायर यू टू मैनुअली इंटर चैनल नेम इन ऑर्डर टू ज्वाइन देम। यदि आप चाहते हो डायरेक्टली, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ अगर जब हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं, आप सबने नोटिस किया होगा ईमेल आईडी पे अपना नाम लिखते हैं तो कुछ सजेस्ट भी करता है। ठीक है, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने से हम मैनुअली लिख करके भी उस चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, अपना आईडी बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, चैनल ऑलवेज बिगिन विद अ हैशटैग फॉलो बाय अ नेम दैट रिप्रेजेंट देयर इंटेंडेड चैट टॉपिक। मतलब क्या होगा, कोई भी इसमें कोई भी टॉपिक अगर अगर फेमस हो रहा है उस टॉपिक पे बात किया जा सकता है। जैसे कोई भी नाम दिया गया, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, कोई भी पॉपुलर टॉपिक होगा उस पर बात किया जा सकता है इसके माध्यम से। यानी कह सकते हो एक ओपन टैग है पब्लिक के लिए। ओके, IRC was a popular way for user to connect online before social media become prevalent in the early 2000s. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब 2000 में सोशल मीडिया का जब प्रचलन हुआ ज्यादा, ठीक है, तो लोग इससे कनेक्ट हुए, और साथ ही साथ जब ये 2000 का टाइम जब आगे बढ़ा तो अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म और भी ज्यादा फैल चुका है। आप सब जानते ही हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिन पे हम डायरेक्टली बात भी कर पाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बट सोशल मीडिया साइट एंड ऐप आर मच मोर पॉपुलर। ठीक है, यानी IRC का कुछ लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है फेसबुक है, बाकी और भी सोशल साइट हैं जिन पे कम्युनिकेशन किया जा सकता है, किसी टैग पे बात किया जा सकता है, जैसे ट्विटर है, किसी भी हैशटैग पे बात करना। ठीक है, आज के टाइम में IRC का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सन 2002 से पहले कुछ चुनिंदा एप्लीकेशन भी हुआ करते थे जिन पे इंस्टेंट मैसेज मैसेज करने का जो ऑप्शन था, जैसे एक है AOL इंस्टेंट मैसेज और दूसरा है MSN मैसेंजर। इन पे क्या होता था, कुछ कुछ ऐप पे
कॉलिंग का फैसिलिटी भी था, कुछ पे टेक्स्ट मैसेज का भी फैसिलिटी था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आईआरसी एक टाइप का प्रोटोकॉल है जिस पे टेक्स्ट मैसेजिंग का एक ऑप्शन था, हैशटैग हुआ करता था जिस पे किसी भी टॉपिक पे बात किया जा सकता है। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको समझ में आया हो। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।